मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा अवैध कारोबारियों के चेकिंग अभियान में थाना फरह पुलिस व इंटेलिजेंस विंग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो कि पुलिस की आंखों में धूल झोंककर काले तेल का कारोबार कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल मामला मथुरा की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ है, जहां काले तेल का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसका फायदा तेल कारोबारी खूब उठा लेते हैं, जिस पर पुलिस की निरंतर नजर बनी हुई थी। तभी मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि थाना फरह क्षेत्र के NH2 पर एक ढाबा के पीछे काले तेल का कारोबार चल रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना फरह पुलिस व इंटेलिजेंस विंग ने छापा मार कार्रवाई करते हुए मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वही तेल बनाने के कई उपकरणों को भी बरामद कर लिया, जिसमें एक टैंकर काला तेल भरा हुआ, एक ट्रैक्टर जमीन में गड़ा हुआ, 2 टैंक खाली व मिलावट करने वाले कई उपकरणों को भी जब्त कर लिया। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि इस तेल के कारोबार में कुछ टैंकर मालिक और गोदाम मालिक की मिली भगत से किया जाता है। खुलासा करने वाली टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 10,000 का नगद इनाम पुरस्कृत दिया है। आप देख रहे हैं मथुरा से हेमंत कटारा की रिपोर्ट। थाना फरह को क्या सफलता मिली? देखिए, जनपद में जिस तरह के तेल चोरी की शिकायतें मिलती रहती हैं, SPCT साहब के निर्देशन में रिफाइनरी ने और हमारी सर्विलांस की टीम और थाना फरह की टीम ने आज बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जहां जो है ये बिटुमिन या जो तालकोर कहते हैं, जो रिफाइनरी से निकलकर अपने गंतव्य स्थानों पर जाती है, उसको एक अवैध नकली फैक्ट्री तैयार कर उसमें मिक्सिंग कर उसको बेचने का पूरा फैक्ट्री अनर्थ किया गया है, जहां से कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। वहां मौके पर एक टैंकर जो भरा हुआ है तारकोल से, एक खाली टैंकर, बहुत सारे डब्बे और ट्रैक्टर पंप, मिक्सिंग प्लांट, मिक्सिंग के जो मशीन होते हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो इस प्रकार से एक पूरा जो है वो फैक्ट्री जिसमें जो है काले तेल को मिक्स करके नकली और उसकी क्वालिटी ख़राब करने का पूरा फैक्ट्री तैयार किया हुआ था, उसको अनर्थ करने में सफलता मिली है। और पूछताछ करने के आधार पर जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो एक व्यक्ति जो मनोज करके है, जिसका संबंध जो आगरा का है, उससे इनके लिंक होने की बात प्रकाश में आई है। जो मालिक है फैक्ट्री का, जमीन का, गोदाम का, उन सभी के विरुद्ध जो है जाँच प्रचलित है, उन सभी को